खिवाड़ा पहुंचे आजाद भव्य कार्यक्रम को किया संबोधित। जिले के खिवाड़ा में बहुजन समाज के राष्ट्रीय नेता व समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण खिवाड़ा के दरी नगर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे तथा लोगों से मिले। इस दौरान आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आजाद का मंच की ओर से जय भीम के नारों के साथ बड़े हार व नीला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजाद ने बहुजन समाज को एकजुट होकर इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को आजाद पार्टी को वोट देकर विजय बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में जनता को बताया तथा राजस्थान में बढ़ रहे दलितों पर अत्याचारों पर प्रकाश डालते हुए पाली के बाली बारवा जालोर मटकी कांड व पाली में 4 साल की मासूम के साथ हुई सर्वचार करने वाली घटना को लेकर समय पर न्याय नहीं मिलने को लेकर दुख जताया तथा कांग्रेस व बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। दिन भर चले कार्यक्रम के दौरान बाली से यात्रा की शुरुआत हुई। इसमें सादड़ी रेसूरी नाड़ोल होते हुए जीवंत कला गा पहुंचे तथा 1 घंटे तक कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद 6 बजे खिवाड़ा पहुंचे जहां कार्यक्रम में काफ़ी बड़ी मात्रा में महिला शक्ति मौजूद रही। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही तथा जगह जगह पुलिस का पहरा दिखा जो कि काबिले तारीफ था। पार्टी का प्रचार अपने इंसान का, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद माओ को। अरे रुको, एक मदद और करवा दो। ये रिवाज के चक्कर में जब आप लोग पैर छोड़ने का प्रयास करते हैं बहुत बुरा। माँ कभी बेटे से, बेटा कभी माँ से बड़ा नहीं हो सकता है और आपकी लड़ाई को सदन में उठाने का काम करेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि आप अमीरों को छोड़ के अपने गरीब भाई का इस बार साथ दोगे। तुम बताओ दोगे या नहीं दोगे साथ? देंगे। इनको बताओ जोर से, तुम्हारा वोट भी है नहीं बताओ? इनके वोट है, हाथ उठा जिनके वोट बने हुए। अच्छा फिर ठीक, मैंने सोचा तुम अभी छोटी छोटी तुम्हारे वोट ही ना हो। मगर एक कार्य हम ये नहीं देखते कि वो दोनों पार्टियां हमारे वोटों से ही तो विधायक उनके जीत रहे, हमारे वोटों से तो सरकार आ रही है। जब हम वोट देके उनका विधायक बना सकते हैं तो हम वोट देके अपना विधायक क्यों नहीं बना सकते, मुझे बताओ। और आपने उनको इतनी बार वोट दी, इतनी बार कांग्रेस की सरकार बनी, अभी भी है, इतनी बार बीजेपी की सरकार बनी। अगर आप मेहनत मजदूरी ना किए होते तो क्या आपके घर में रोटी आ जाती? नहीं आती। आपके बच्चे पढ़े लिखे ना होते तो कोई नौकरी दे देता? इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 2 महीने बाद आपके पास अवसर है फैसला लेने का। संविधान तब बचेगा जब संविधान विरोधी ताकतें सत्ता से बाहर निकलेंगी। मेरी एक बात याद रखना आप लोग पूरी जिम्मेदारी से, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की है, मध्य प्रदेश में भी हमारे लोगों ने 2 अप्रैल 2018 में जो भाजपा ने मार घेरी उसके बाद उन्होंने वहां भी कांग्रेस की सरकार बनाई। मगर हुआ क्या कि कांग्रेस के आधे लोग टूट के बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की सरकार बनी, ठीक है। और अब जब वहां दोबारा से चुनाव होने वाला है तो आधी बीजेपी जो है उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब अगर वहां सरकार बदली भी तो सरकार किसकी हुई भाई? बीजेपी की। इन्हीं की हुई ना। आपके जीवन में क्या बदला? रह गई तो आधे बीजेपी वाले इसमें आ जाएंगे और ये बदल गई तो आधे कांग्रेस वाले आ जाएंगे। उनके उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। 5 साल जो अन्याय अत्याचार होगा वो आपको सहना है, 5 साल जो अधिकारों का हनन होगा वो आपको सहना है, 5 साल जो खाल खींची जाएगी वो आपकी खींची जाएगी, 5 साल सामंत की जो खाल उधड़ेंगे वो आपके उधड़ेंगे। और जो मेरे दिल का दर्द है कि मैं किसी को आजादी नहीं देता कि वो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखे, उनका अपमान करे। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपको फैसला करना है। अगर आपने गलत निर्णय लिया आप होंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जो धोखा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे और हमारी जो पगड़ी उछाली जाएगी उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और अगर आपने जिम्मेदारी से फैसला लिया और आपने यहाँ अपनी पार्टी का झंडा डंडा मजबूत किया, अपनी पार्टी को ताकत दी,
तो किसी सामंती की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी, किसी गरीब की बच्ची की तरफ आप उठा के देख ले, उसको सबसे पहले उसका इलाज हो जाएगा। इस राजस्थान में ये बात उसको बीमारी की ताकत से पता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पगड़ी पहनाते हैं तो पगड़ी की लाज भी रखते हैं। और पगड़ी ये नहीं है, पगड़ी वो है जो घर का सम्मान, पगड़ी वो है जो हमारे बुजुर्गों के सर पे है, पगड़ी वो है जिनकी छाया में हम लोग पैदा हुए, जिन्होंने अपना पेट काट काट कर हमें पढ़ाया, आगे बढ़ाया, लिखाया। अगर आज उनकी पगड़ी की रक्षा हम लोग नहीं कर सकते तो फिर हमारा जीवन बेकार है। अगर हम पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बन गए और अपने समाज का हाथ पकड़ कर उनको आगे नहीं बढ़ाते तो हमारी पढ़ाई बेकार है, हमारी कामयाबी बेकार है। इसलिए मैं आपसे कह, और मुझसे छोड़िए, अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर किसी के पिछलग्गू बनने का काम आप बंद कर दीजिए। अब अपनी ताकत बनाइए, इस तरह से मुट्ठी बनिए, एकजुट होइए, अपनी वोट की शक्ति से अपने बीच के व्यक्ति को आगे बढ़ा के भेजिए और फिर देखिए वो आपकी समस्याओं के लिए कैसे लड़ता। अभी तो आपने भीम आर्मी को सड़कों पर लड़ते हुए देखा। जिस दिन भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी के माध्यम से पहला विधायक जाएगा, आप देखना आपका एक विधायक पूरी पूरी सरकार में भारी पड़ेगा, पूरी पूरी सरकार को मजबूत कर देगा, क्योंकि आपने एक पेंशनर को खड़ा किया। आप देखो ना विधायक ना एमपी, आपका खून है बस। और आप देखो पूरी सरकार की सरकार का नाक नरम करके रखता है नहीं रखता है, बताओ। आज हालात ऐसी हो गई है कि झूठे मुकदमों से नहीं डरा, जेल से नहीं डरा, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरा, तो आज मेरे ऊपर गोली चला रहे हैं। आपको क्या लगता है आपका खून उनकी गोलियों से डर जाएगा क्या? ये अगर डरेगा तो आपकी लापरवाही से, ये अगर डरता है तो आपकी गैर जिम्मेदारी से। जिस दिन आपने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, आज आप यहाँ कई हजार की संख्या में है। अगर और अगर एक दिन में आपने एक आदमी भी तैयार किया तो 30 दिन में 30 वोट हो। आज आप यहाँ कई हजार की संख्या में, इसके इससे 30 की गुना करके देखो, आपको पता लग जाएगा कितने वोट आपकी पार्टी को पड़ेगी। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, एक दिन में एक व्यक्ति को तैयार करना हो, ये वोट की शक्ति ना हो, आपकी बस्तियों में कोई पैर ना रखे। ये वोट की ताकत है तो लोग आपके पैर छूते हैं, आपको ताई चाची कहते हैं, बहन कहते हैं, आपके लिए योजनाओं की बात करते हैं। अगर वोट की शक्ति ना हो, आज भी छुआछूत है कि कोई हमारी बस्ती में आके ना खड़ा हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो दुश्मन को पहचानो, और ये भी पहचानो माने। और काशीराम साहब कहा करते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, उसमें आदमी मालिक होता है। ये आपका घर है कि संविधान जन्मसिद्ध अधिकार देता है न्याय का, कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान में कुछ अजीब है, आरोपियों के समर्थन में पंचायत होती है, आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकलती हैं और पीड़ितों को न्याय के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, और पीड़ितों की आवाज उठाने वालों को चार चार बार उदयपुर से जोधपुर से पकड़ के दिल्ली छोड़ के आते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि संविधान पे खतरा है। जब कोई अपने हक की बात करता है झूठे मुकदमे लगाते हैं, जेल डालते हैं, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का, चाहे केंद्र की सरकार है राजस्थान की, सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के माँ बाप पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, जमीन गिरवी रख रख के पढ़ा रहे हैं, कर्ज ले लेके पढ़ा रहे हैं, और पेपर के पेपर बस में बैठ के लीक हो जाते हैं और बच्चे तमाशा देखते रहते हैं। नेताओं की औलादें लग जाती हैं, विधायकों के रिश्तेदार लग जाते हैं, पैसे वालों के बच्चे लग जाते हैं, और गरीबों के बच्चे अपने कलेजे में हाथ रख के रह जाते हैं कि क्या करें। मगर मैं मानता हूं कि इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हम जिम्मेदार। कैसे ये जानो, अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जो पढ़े लिखे लोग हैं ध्यान करता हूं और धन्यवाद देता हूं
यहाँ इस मेरे राय दाएं तरफ उपस्थित हमारे माता बहनों को, बच्चियों को और मेरे बाएं तरफ उपस्थित नौजवान साथी, छोटे भाई और सम्मानित मेरे बड़े, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और माफी चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में देरी हुई। 3 बजे का समय था 3:30 का और मैं यहां 7 बजे पहुंचा, लेकिन मैं ही क्या करूं, हमारे नेता लोगों ने रास्ता बता दिया कि रास्ते से आ रहे हैं, और जब ये बता दिया तो हर गांव में हमारे परिवार रहते हैं वो सब लोग सड़कों पे आके खड़े हो गए। जब मैंने आते हुए देखा कि हमारी माएं और बहनें सड़कों के पास खड़ी हैं, थाली लेके, फूल लेके, बुजुर्ग साफा लेके खड़े हैं, तो फिर मैं क्या करता आप बताओ? अगर मैं उन्हें छोड़ के भाग आता तेजी से तो उनके मन को दुखी होता उनका मन, और जब मैं वहां रुका तो फिर उनकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, जैसे हमारी छोटी बहनों की ख्वाहिशें हैं कि भैया पहले एक फोटो कराओ, हमारी माओं की ख्वाहिशें हैं कि वो आशीर्वाद देना चाहती हैं, हमारे बड़ों की भी ख्वाहिश है कि वो आशीर्वाद देना चाहते हैं, नौजवान साथी चाहते हैं कि मैं एक बार उस धरती पर पैर रखूं, तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, जैसे आपको मुझसे उम्मीदें होंगी मुझे भी आपसे उम्मीदें हैं। आज यहाँ हम लोग हजारों की संख्या में हैं और मैं लिख के देता हूं, अगर आज आपने मेरी बात, जो बात मैं आपसे कहूंगा अगले 20 मिनट में, अगर आपने वो सुनी, समझी और उस पर अमल किया, तो मैं लिख के देता हूं कि पूरे राजस्थान में आपकी अलग पहचान होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको, मुझसे शर्त लगा लेना होगा। देखो यार, देखो हम में और जानवरों में फर्क है, उसको भी दो हाथ दो पैर हो सकते हैं और 4 पैर भी हो सकते हैं, लेकिन कुदरत ने हमें दिमाग दिया, अपने बारे में सोचने का, अपने परिवार के बारे में सोचने का, अपने समाज के बारे में सोचने का, अपने प्रदेश के बारे में सोचने का और अपने देश के बारे में सोचने का। आपने भैंस देखी कभी एरोप्लेन? आप ये बताओ कुछ बदला, अपने मन से सोच के बताओ आपकी जिंदगी में कुछ बदला? अब आप अपने मन की आपने कर ली, अब आप सब लोग अपने अपने जगह खड़े जाओ, हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे।